हैं कितना ये कुरकुरा बनके तैयार होता है। तो आप इसे मीठी चटनी के साथ खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहे तो तीखी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मीठी चटनी रखी है। ऐसे हो आप सब, तो आज हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं ब्रेड की चटपटी सी स्नैक्स, जो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ लेंगे, सभी को इस तरह से छोटा छोटा कर लेंगे। फ्रेंड्स, पूरे वीडियो में बने रहें, बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी लगती है। तो जब भी आपका कुछ खाने का मन करे, तो इस तरह से हमने तोड़ लिया। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे हम आलू को सबसे पहले बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से आलू ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 4 आलू लिया है। जब तक हमारा आलू उबल रहा है, तब तक यहाँ हम ब्रेड को इस तरह से पाउडर बना लेंगे, बारीक कर लेंगे मिक्सर में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने ब्रेड को दरदरा कर लिया है। इस तरह से ब्रेड को हमें करना है, एकदम पाउडर नहीं बनाना, इस तरह से दरदरा रहना चाहिए। तो अब हम इसे, तो ब्रेड को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पे हमारा आलू बॉईल हो चुका है, तो हमने आलू को इस तरह से पीसेस में कट के बॉईल किया है, ताकि बहुत ही जल्दी ये बॉईल हो जाए। तो देखिए कितने अच्छे से जल्दी से बॉईल हो गया है। इस तरह से आप बॉईल करेंगे तो बहुत जल्दी बॉईल हो जाता है, और आप फटाफट कुछ भी बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा आपको। और इस तरह से इसका छिलका हम उतार लेंगे। तो हमने आलू को छील लिया है, अब इसे हम मैश कर लेंगे। यहाँ पे एक रह गया, तो इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। चाहे तो आप हाथों से करें, या तो जो मैश वाला आता है उससे आप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से बॉईल हुआ है, तो इसलिए हाथों से हो जा रहा है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो हमने आलू को मैश कर लिया है, अच्छे से इसे मैश करना है, ताकि कोई गुठलियाँ ना रहे। अभी जो पाउडर है ब्रेड का बुरादा, इसमें हम डाल देंगे आलू को। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा इसमें जीरा क्रश करके हम डाल देंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे, काली मिर्च का पाउडर, और यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डाल देंगे मैगी मसाला, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट लगता है। तो हो सके तो आप इसे भी ज़रूर डालिए। अब हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च, हमने यहाँ पे एक ही हरी मिर्च डाला है, क्योंकि हमें ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटी हुई हरी धनिया। हरी धनिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है हर रेसिपी में। अब हम डाल देंगे नमक, आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। अब एक चम्मच इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, अगर कॉर्नफ्लोर आपके पास नहीं है तो आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं। तो बस इसमें अब हमें कुछ भी नहीं डालना है। अब इन सभी को अच्छे से हमें मिला लेना है, मतलब मिक्स कर लेना है सभी को, अच्छे से सभी को हमें मिक्स कर लेना है इस तरह से। आप इसमें पानी बिल्कुल भी ना डालें। तो यहाँ पे ये जो आलू है, इसी से अच्छे से इस तरह मिलाएंगे तो ये हो जाएगा बराबर, आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे तेल, आप इसमें मीठा तेल डालिए। तो अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक डो की तरह लगा लिया है। आप हो सके तो, अगर नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा हल्का सा, बहुत ही हल्का सा आप इसमें पानी डाल सकते हैं। अगर हो सके तो आप पानी ना डालें तो ये अच्छा रहेगा। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से, ज़्यादा लूज हमें नहीं रखना है, एकदम टाइट रहना चाहिए, सख्त रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया है। तो फ्रेंड, इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गया है। अब इसे इस तरह से हम हाथों पे तेल लगा लेंगे, हल्का सा हथेलियों पे लगा लेना है तेल, और इस तरह से छोटा छोटा तोड़ लेना है हमें लोई की तरह। बस इस तरह से हमें तोड़ना है, देखिए इस तरह से, ज़्यादा बड़ा हमें नहीं लेना है। और इसका आप चाहे जो आकार दे सकते हैं, या फिर आप रोल कर सकते हैं, या फिर इस तरह से बना सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद हो। देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है ये
फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप इसे सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं, सबको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही अच्छे से बन जा रहा है, आप देख सकते हैं, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देखते ही खाने का मन करेगा। तो इस तरह से ये बन जा रहा है इस आकार में। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे बराबर से आटा लेना है, इस तरह से इसको रोल करना है और इस तरह से जो हाथों की हथेलियाँ है फिंगर, इस तरह से हमें रोल करके बस इस तरह से कर देना है। देखिए कितने अच्छे से बन जा रहा है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में, तो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा भी लगता है। तो आप इसको किसी को भी देंगे, बहुत ही मज़े से खाएगा और टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से रोल करके आप दोनों हथेलियों से इस तरह से कर देंगे, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे से इसका शेप बन जा रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने सभी को तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं एकदम यूनिक वाली रेसिपी लग रही है ना। तो इस तरह से आप बनाएंगे हाथों की हथेलियों पे तेल लगा के, तो ये बहुत ही ईजिली बन जाएगा और देखने में भी कितना अच्छा और कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए अब इसको हम डीप फ्राई करते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब एक एक करके हम डाल देंगे। तो इन्हें हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे उलट पलट के इस तरह से। तो ये कितने अच्छे से देखिए फ्राई हो गए हैं, इस तरह से हमें फ्राई कर लेना है। तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ भी अच्छे से ये भी फ्राई हो गया है, अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं। तो देखिए ज़्यादा कुरकुरा ये बनके तैयार हुआ है, आप इसे सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी ये बनके तैयार हो जाता है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो आप इसे मीठी चटनी के साथ खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप चाहे तो तीखी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मीठी चटनी रखी है। तो जब भी आपको जल्दी हो कहीं जाने की तो इसे आप फटाफट बना सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट और कुरकुरा, अंदर से सॉफ्ट है ऊपर से कुरकुरा बन के तैयार हुआ है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है फ्रेंड, बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत 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 ही ज़्यादा यम्मी है। अगर आपके बच्चे मांग रहे हैं कुछ खाने के लिए स्नैक्स, तो आप इसे बना के दे सकते हैं, बस जल्दी ही तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसमें। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स।